हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 चैप्टर नंबर 1 की सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि है इरेशनल नंबर्स। अभी तक हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स भी बताए अपने पहले वाले वीडियो में। अब मैं 1.2 का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिसमें इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? सबसे पहले, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी बाय क्यू फॉर्म। जिन नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब कि जो पी बाय क्यू की फॉर्म कौन सी होती हैं, जो रैशनल नंबर्स की होती हैं, तो जिन्हें हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। सेकेंड पॉइंट इसका आता है कंडीशन कह सकते हैं या डेफिनेशन इसकी कह सकते हैं। दे आर इरेशनल नंबर आर द नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बोथ आर द सेम। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, बट हाल फिलहाल सिर्फ ये जान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे √3, √2, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे? अगर आप जो आपने 8th स्टैंडर्ड में जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे थे, उसमें हमने √2 का, √3 का, इनका स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, उसी मेथड से हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1.414213 ऐसे चलता ही जा रहा है, इट्स नॉट एंडिंग। तो ये इसका स्क्वायर रूट है। इसको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 का भी स्क्वायर रूट जो हम निकालते हैं तब आता है 1.732050, ये भी इट गोज़ ऑन, इसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते। और पाई, पाई की एक वैल्यू होती है जो कि हम अभी तक सर्कल वगैरह में पढ़ते आए हैं, तो वो होती है 22/7, एंड व्हेन यू डिवाइड 22/7 इट गोज़ ऑन, ये इसका डिवीजन ख़त्म नहीं होता है। तो 3.141592 और आगे चलता ही जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ इरेशनल नंबर्स के, √2, √3 और पाई। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ फैक्ट्स इसके लिखे हैं, ताकि ये आपको पहले बेसिक थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि इरेशनल नंबर्स के बारे में। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या बोला गया है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। इसके बारे में भी, रियल नंबर्स और इनके बारे में, मैंने एक पूरा चार्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि रियल, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। बिकॉज इरेशनल नंबर कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन। हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। नंबर लाइन यानी जो हम लोग 8th क्लास में बना चुके, एक स्टैंड, एक लाइन जिसपे हम लोग सारे नंबर्स लोकेट करते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और मिड में होता है 0। तो इरेशनल नंबर को हम इस लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ अ रियल नंबर। सेकेंड पॉइंट इसमें बताया है, ऑल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन आर नॉट एन इरेशनल नंबर और अ नेचुरल नंबर। हमारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे पॉइंट्स के लिए बता रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इरेशनल नंबर हो या वो नेचुरल नंबर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो या तो इरेशनल नंबर हो या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इरेशनल हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल है √3। अब जो इरेशनल नंबर है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। कितनी बार, एज इट्स, इट कैन बी एंड इट कैन नॉट बी। इरेशनल नंबर कैन बी अ नेचुरल नंबर और इट कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। वाई? जैसे मैंने बताया √4, ठीक है, इसका क्या है 2, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रूट में आई हुई इरेशनल नंबर हो। √3 है, ये है 1.73 समथिंग समथिंग, आगे जो अभी मैंने ऊपर बताया, तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। दूसरी बात, इस नंबर लाइन में यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स दिखाते हैं, तो जो भी इरेशनल नंबर होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता है। अंदर उसके, रैशनल नंबर के अंदर
जो रूट के अंदर हम जो नंबर लिखते हैं वो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट कैन बी माइनस रूट बाय पी, बट जो पी है अंदर वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर डिनोट किए जाते हैं, तो नेगेटिव नंबर आर ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन, वेयर एज रूट पी, वेयर पी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. जैसे रूट पी एग्जाम्पल है इसका, और पी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है. थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर. हमारे जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर. अभी ऊपर मैंने क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. हर जैसे रियल नंबर में तो हमारा फ्रैक्शन भी आता है, रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. तो रियल नंबर्स में तो फ्रैक्शन भी आते हैं, 2/5, 3/2/3 एट्सेट्रा. लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स नहीं हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटर्न एन पी बाय क्यू फॉर्म. अब इसी एक्सरसाइज, इसी पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करके फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं. स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर्स. वो कह रहा है कि हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो. इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर नहीं हो. जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था रूट फोर, उसका आंसर जो रूट टू आता है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करेंगे. जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन सीखी थी 0, 1, 2, इस पर हम लोग फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स लोकेट करना सीखा था 8th स्टैंडर्ड में. अब हम लोग सीखेंगे कि हम इरेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं. लेट्स सी, सबसे पहले मैं एग्जांपल थर्ड, जो हमारी एनसीईआरटी बुक का है, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक की जो है, उसका मैं एग्जांपल थर्ड एग्जांपल से ही समझाती हूँ. रूट टू को मुझे एक जो इरेशनल नंबर है मुझे उसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. अब उसमें देखिए, मैंने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो पीजीटी जिसको मैंने यूज़ किया है आगे सभी वीडियो में. तो पीजीटी थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने पढ़ी हुई है पहले. एंड व्हाट्स दैट थ्योरम? दैट थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली बता देती हूँ कि एक 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है, उस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है. ये जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर साइड कहते हैं, और जिस पे वो एंगल बना होता है दिस इज कॉल्ड बेस साइड. तो इस 90 डिग्री ट्रायंगल पर ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम लगती है. तो अभी रूट टू को मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ 1 और 1. तो रूट टू को मैंने बनाया हाइपोटेन्यूस और इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा 1 और 1. अब व्हाट्स द थ्योरम? इट सेज हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ और इस 1 को भी 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ. तो ये बन जाता है 1+1, दैट इज रूट टू. यानी ये जो स्क्वायर है बेसिकली, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये जो स्क्वायर यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ अंडर रूट लगा दिया. तो इस रूट टू को मैंने स्प्लिट किया है 1+1 का. अब मैं इसको एक नंबर लाइन पे शो करके और ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये नंबर लाइन पे कैसे बनेगा. जैसे ये मैंने रूट टू के लिए एक नंबर लाइन बना के रख रखी है. इस नंबर लाइन में 1-1 सेंटीमीटर के गैप में मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 5 कर गया. अब सबसे पहले जो ट्रायंगल था हमारा रूट टू का, वो ऐसे था, यहाँ था रूट टू और यहाँ है 1 और यहाँ है 1. मतलब मेरा बेस जो है वो 1 है, परपेंडिकुलर जो है वो 1 है. ठीक है, तो अब मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ. 0 से मैंने 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ये वाला, ये पॉइंट बन गया. यहाँ से मुझे एक स्टैंडिंग 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है. तो आई टेक द स्केल और स्केल पे मैं देखूँगी कि 1 सेंटीमीटर की लाइन ये कुछ इस जगह बनेगी. उसके बाद मुझे ज्वाइन करना है माई 0 एंड दिस पॉइंट. इसको मैं अगर ज्वाइन कर लेती हूँ तो मेरा जो ये हाइपोटेन्यूस आती है ये मेरी क्या है, रूट टू. बिकॉज यहाँ पे मेरा ये 1 है, यहाँ मेरा 1 है और ये क्या है, रूट टू. तो इस ट्रायंगुलर को मैंने इस नंबर लाइन पे एक बार ड्रॉ कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको कंपस लेना है, यहाँ 0 एज अ सेंटर एंड टेक दिस पॉइंट एज ए. 0 को सेंटर रखकर ए 0 या इसको ओ बोल सकते हैं हम, ओ ए को आप रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल जैसे ही ड्रॉ करोगे तो यहाँ से एक आर्क इस सर्कल की कटेगी. ये मैं अप्रॉक्स बना रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव कंपास अभी राइट नाउ. तो मैं इसमें एक यहाँ से एग्जैक्टली इस जगह ये जो आर्क कटेगी ऑन द नंबर लाइन, दिस पॉइंट इज आई कॉल इट एज सी. ओके,
तो इस पॉइंट को मैंने सी बोला और जो ये मेरा सी पॉइंट आया है ये ही मेरा रूट टू है, मतलब ओ सी जो मेरा आया वो मेरा क्या आया, रूट टू। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल जिससे हम रूट टू का एक्सप्लेनेशन, रूट टू को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इसके बारे थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी हुई है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं हम लोग फास्टली। जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको मैंने ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रखा है सो दैट यू कैन राइट डाउन द नोट और जब भी आपको फ्यूचर में उसे रिकॉल करना हो तो यू कैन रिकॉल इट बाय दिस। नाउ ड्रॉ अ सर्कल विद ओ एज अ सेंटर एंड द रेडियस ओ ए। वी कैन सी दैट द सर्कल कट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट सी, देयरफॉर पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। अब मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, दैट इज रूट टू, जो कि एग्जाम्पल फोर है, रूट थ्री सॉरी एग्जाम्पल फोर है, जो कि रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, यानी लोकेट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। इसको भी मैंने पीजीटी थ्योरम से ही सॉल्व किया है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब रूट थ्री दैट इज थ्री, थ्री को मुझे स्प्लिट करना था। अब यू नो दैट कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है वो भी स्क्वायर होता है, तो उसको मैंने लिया रूट टू का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर। वी नो दैट किसी भी रूट का स्क्वायर हमेशा वो नंबर इट्सेल्फ ही आता है, बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू इज टू, तो वन का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर विल बी वन प्लस टू दैट इज थ्री। तो अब इसे हमें लोकेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमने एक ट्रायंगल बनाया वहाँ पे 90 डिग्री का, इसमें नीचे बेस लिखा रूट टू, दिस इज वन एंड रूट थ्री, परपेंडिकुलर इसका वन है, बेस रूट टू है और हाइपोटेन्यूज रूट थ्री आएगी। तो फर्स्ट वी हैव टू लोकेट रूट टू एंड देन वी हैव टू लोकेट रूट थ्री। तो आप सबसे पहले अब आपको रूट टू बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद रूट थ्री लोकेट होगा। इसके दो मेथड हैं, यू कैन सी, मैं बताती हूँ तुम्हें सॉल्व करके। फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले मैंने बताया था कि रूट टू लोकेट करना पड़ेगा, तो सेम मेथड, वन सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, यू हैव टू ड्रॉ इट विथ स्केल, आपको प्रॉपर स्केल से बनाना है इसको, और रूट टू, ये रूट टू मेरा लोकेट हो गया। नाउ आई ड्रॉ एन आर्क, जो सर्कल बनाऊंगी तो यहाँ पे मेरा कहीं सी पॉइंट आएगा, तो दिस ओ सी आई गेट रूट टू। तो मेरा जो ट्राइंगुलर था, जो ट्राइंगल मैंने बनाया था वो क्या था, रूट टू वन रूट थ्री। ओके, तो अब ये रूट थ्री, तो रूट टू मेरा बेस है, तो ओ सी अब मेरा बेस बन जाएगा। नेक्स्ट, दिस यू हैव टू डू इट विद स्केल एंड ऑल, बिकॉज ये मैं सब समझा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। ओ सी मेरा अब बेस बन गया, दैट इज रूट टू। अब इस जगह मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वन सेंटीमीटर का, एंड दिस इज ए, दिस विल बी माई न्यू रेडियस। अब ये ओ, लेट मी सी कि मैंने कौन सा पॉइंट लिया, सो दैट आई टुक, ओके लेट इट बी, तो ओ बी, ओ बी मेरा नया पॉइंट होगा, ओ बी मेरी नई रेडियस होगी, एंड न्यू सर्कल इफ आई ड्रॉ और उसे मैं यहाँ कट करूँगी, तो जहाँ ये कट होगा तो रूट टू वन, तो अब ये मेरा रूट थ्री आ गया, जो मेरी परपेंडिकुलर आई, सॉरी हाइपोटेनस आई वो रूट थ्री आई। अब इसको जब यहाँ पे आप ओ सेंटर रखकर ओ बी आप रेडियस लिखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इट विल कट समवेयर हियर, जो कि है रूट थ्री। यू कैन ऑल्सो चेक कि रूट थ्री सम 1.73 समथिंग होगा, तो 1.73 टू से थोड़ा सा स्लाइटली पहले ही आएगा। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है, जो कि ईजी मेथड है, विच सेज दैट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वन सेंटीमीटर एंड रूट टू, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, वन वन एंड रूट टू। नाउ रूट टू इज़ माई बेस, इस रूट टू को बेस मान के ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन वन सेंटीमीटर की, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन विद द स्केल आप ड्रॉ करना एंड देन जॉइन इट विथ ज़ीरो। तो जो ये आया ये मेरा रूट थ्री आएगा, देन ओ बी, ये तो ए पॉइंट था, ओ बी, ओ बी को सेंटर मानकर, इट वोंट बी दैट स्ट्रेट, ओ बी को सेंटर मान, सॉरी ओ को सेंटर मानकर ओ बी को रेडियस मान के कट एन आर्क एंड मार्क रूट थ्री। यू कैन यूज़ एनी मेथड विच एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू, बोथ विल शो यू द करेक्ट पॉइंट वेयर रूट थ्री विल बी मार्क्ड। नाउ ये दोनों मेथड मैंने यहाँ एक्सप्लेन करे, मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है रूट फाइव का। रूट फाइव जैसे दे रखा है उसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, तो टू का स्क्वायर प्लस वन दैट इज़ फोर, फोर प्लस वन, तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, टू वन एंड रूट फाइव। नाउ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 1.2
क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक समझाया है इंट्रोडक्शन में, इट कवर्स होल ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2।